सो हाय एवरीवन, ये कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो हमारा वीडियो था ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि ये जो 12 तरह के कंट्रोल सिस्टम हैं, 12 तरह के कंट्रोल सिस्टम में हम लोगों ने 6 तरह के कंट्रोल सिस्टम जो हैं वो फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे। एक बार इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं, जिसमें कि एनालॉग कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, ओपन लूप, क्लोज लूप, एम्बेडेड एंड रिमोट कंट्रोल सिस्टम, यहाँ तक हम लोगों ने इसका जो पार्ट वन वीडियो है वहाँ पे कवर किया। अब फर्दर हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे एज कंट्रोल सिस्टम, नॉन लीनियर, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, हायरार्किकल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट, इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट में रखेंगे। बाकी ये जो आप इसका पार्ट वन है उस पार्ट वन को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। एंड अगर आपको ये जो लिटरेचर है जो पीछे स्क्रॉल हो रहा है आप उसको plcdcscontrol.com पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा रिमोट कंट्रोल सिस्टम था, लास्ट जो कंट्रोल सिस्टम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे पार्ट वन वीडियो में। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एज कंट्रोल सिस्टम। देखिए, एज डिवाइसेस जो हैं ये जब हमारा क्लाउड का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद में एज कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड नेटवर्क से ही रिलेटेड है। बेसिकली आप इसको अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर देखेंगे तो ये एक इमेज मैंने सीमेंस की वेबसाइट से लेकर इसमें ड्राफ्ट किया हुआ है। आप इसमें देखेंगे कि एज कंट्रोल सिस्टम में ये चार ये लेयर्स होते हैं, ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं। तो इसमें जो आप ये बॉक्सेस देख रहे हैं, देखिए, जो एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये क्लाउड कंट्रोल है, क्लाउड के लेवल पर है ये। और उसके बाद में जो ये आप नीचे वाला जो एक बॉक्स देख रहे हैं दैट इज फैक्ट्री लेवल, ये आप फैक्ट्री लेवल देख रहे हैं, ये जो बॉक्स है, ये एरिया है, ये फैक्ट्री कंट्रोल से रिलेटेड है और ये क्लाउड कंट्रोल से रिलेटेड है। अब देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू करें, हम इसको पॉइंट नंबर वन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये मैटलैब और पाइथन और इन सब जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं इसके थ्रू कोडिंग करने के बाद में एक एज मैनेजमेंट सिस्टम ड्राफ्ट किया जाता है। ओके, एज मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है क्लाउड से और क्लाउड की जो रिपोजिटरी होती है वहाँ पर इसके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक, अब जो फैक्ट्री लेवल के जो कंट्रोल्स हैं उनके साथ में ये जो क्लाउड लेवल क्लाउड का जो एप्लीकेशन है वो आपस में लिंक करेगा। अब आप फैक्ट्री लेवल पर देखेंगे तो इसमें जो हमारा कनेक्ट जो हमारी मशीनरी है, जो असेंबली लाइन है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड जो लाइन है वो हमारी कनेक्ट होती है एज इंडस्ट्रियल एज रन टाइम सिस्टम से। यहाँ पे हम सिस्टम का डिप्लॉयमेंट करते हैं, जो ये पॉइंट नंबर टू में आप देख रहे हैं एज मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ से हम इसको डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट होने के बाद में ये रन टाइम जो इन्वायरमेंट है ये हमको रन टाइम इन्वायरमेंट मिलता है इंडस्ट्रियल एज रन टाइम जो बॉक्स यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली इसको डेटा मॉनिटरिंग के लिए हम किसी भी डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि बैकग्राउंड हमारा मैटलैब सिस्टम या फिर किसी समथिंग एल्स जो हमारा DCS है, जो स्काडा है, उनसे रिलेटेड है। अब अगर हम एज कंट्रोल को इन शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो एज कंट्रोल नेटवर्क कैसे काम करता है, बहुत ही समराइज फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी असेंबली लाइन हो गई या इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल हो गया, जहाँ पे भी प्रोसेस हमारा एक्टिवेटेड है फैक्ट्री लेवल पर, वहाँ से जो हम इनपुट लेते हैं वो इनपुट एज डिवाइसेस के थ्रू वहीं पर ऑपरेट होता है। लेकिन एज डिवाइसेस हमारी कनेक्ट होती हैं क्लाउड के थ्रू, और जो हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग की बात ऐसे हो रही है कि जो हमारा क्लाउड का डेटा है वो अलग अलग एंटरप्राइज लेवल पर, मतलब अलग अलग फैक्ट्रीज का डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे कलेक्ट हो रहा है, वहाँ से हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट होता है, वहाँ पे हमारा जो बिजनेस इंटेलिजेंट लेवल है, मतलब कि हमको प्लांट को ऑपरेट तो करना है लेकिन बहुत ही हाई लेवल पर उसकी ग्रोथ देखनी है, ऑपरेशन देखना है, तो वो हम डिसीजन वहाँ से ले रहे हैं और वो इनपुट्स हमको वहाँ पे जो क्लाउड के थ्रू जो लेवल करेक्ट है, जो एंटरप्राइज लेवल पे जा रहा है, कॉर्पोरेट लेवल पे आप कह सकते हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है और साथ ही साथ उसका जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो लिंकअप है वहाँ से, लेकिन बेसिकली वो फैक्ट्री लेवल पर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ मेन जो की कंपोनेंट होते हैं एज कंट्रोल सिस्टम के उसको भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो की कंपोनेंट है हमारे एज कंट्रोल सिस्टम के, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं एज डिवाइसेस। एज डिवाइसेस क्या है कि देखिए, ऐसी डिवाइस जो लोकल लेवल पर, इसको आप एम्बेडेड डिवाइस से भी इसको लिंक कर सकते हैं, ये काफ़ी कुछ एज डिवाइसेस जो एम्बेडेड सिस्टम होता है उससे लिंक कर सकते हैं आप, वैसा ही है। जो एज डिवाइसेस हैं ये खुद के, इनमें कंट्रोल सिस्टम होता है, खुद के सेंसर्स होते हैं और ये जो गेटवे की तरह काम करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं लोकल लोकेशन से और इसको लिंकअप करते हैं क्लाउड डिवाइसेस में। ठीक है,
एज सर्वर्स होते हैं। ये जो एज सर्वर्स हैं ये हमारे डिवाइस के अंदर भी हो सकते हैं और एक सेपरेट सर्वर भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं कि वहाँ पर सारा, सपोज करिए किसी प्लांट में हमारे पास में 1000 डिवाइसेज हैं, तो 1000 डिवाइसेज के 1000 सर्वर वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे डेटा को एक सिंगल सर्वर पर, वहाँ से हम इसको लिंकअप करेंगे। तो वहाँ पर एज सर्वर्स काम आते हैं और साथ ही एज नेटवर्क्स आते हैं। ये एज नेटवर्क क्या होते हैं, नॉर्मल नेटवर्क क्या होता है, एज नेटवर्क क्या, एज नेटवर्क स्पेशली उसमें हम दूसरा नेटवर्किंग के जो चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, डेडिकेटेड नेटवर्क होता है इन डिवाइसेस के लिए और ये बहुत ही हाई स्पीड होता है और ये लोकलाइज नेटवर्क फैसिलिटी कम्युनिकेशन होता है जो एज डिवाइसेज और एज सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब चलिए इनको रोल, इनका क्या क्या रोल है, ये क्योंकि थोड़ा सा नया सिस्टम है इसके बारे में समझना पड़ेगा आपको कि एक तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं जो ये एज डिवाइसेज होती हैं, रियल टाइम में डेटा आप कलेक्ट कर रही हैं और डेटा कलेक्ट करने के साथ में जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं, साथ ही ये क्लाउड पर डेटा भेज रही हैं और उसके साथ साथ क्लाउड पर जो एप्लीकेशन है वहाँ से इनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कॉरपोरेट लेवल पर। ठीक है, उसके बाद में लेटेंसी रिडक्शन, जो एज नेटवर्क है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जो लेटेंसी है उसको बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे जो ऑटोनोमस व्हीकल हो गए या फिर हमारा स्मार्ट ग्रिड हो गई, हेल्थ केयर सिस्टम हो गए, वहाँ पे इस तरह के लेटेंसी, नॉर्मल जो नेटवर्क होता है उन नेटवर्क की लेटेंसी बहुत हाई होती है इन एप्लीकेशंस को लेकर। ठीक है, जो हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह हो गए और ऑटोनोमस व्हीकल जो विदाउट ड्राइवरलेस कार्स हो गई उनके लिए, इनका प्राइवेसी और जो इन्हेंस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो भी, ये बहुत ही हाई इनक्रिप्टेड डेटा ये ट्रैवल होता है इनके बीच में जो एज नेटवर्क और एज डिवाइसेज हैं, तो इनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी लेवल भी बहुत हाई होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। देखिए लीनियर और नॉन लीनियर ये दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। अब इन दोनों तरह के जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, चलिए सबसे पहले तो नॉन लीनियर की बात करते हैं। नॉन लीनियर जो हमारा, आपने इक्वेशन देखा होगा y इज इक्वल टू mx, तो ये लीनियर इक्वेशन कही जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c प्लस उसमें कुछ स्क्वायर है, तो समथिंग दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर समथिंग। तो ये जो लीनियर नॉन लीनियर कहा गया है ये उन मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए कहा गया है। कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिनमें प्रोसेस वेरिएबल का जो चेंज होता है वो नॉन लीनियर नेचर का होता है और कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें लीनियर चेंजेस होते हैं, तो उनके पैटर्न पे ये दोनों कंट्रोल सिस्टम डिवाइड किए गए हैं। अब इसको अगर आप देखेंगे जो बिहेवियर है प्रोसेस का और उनका जो प्रोसेस होता है वो कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न पे होता है, लेकिन नॉन लीनियर बेस को ये फॉलो करता है। ठीक है, नॉन लीनियर चेंज होता है, नॉन इसमें जो चेंजेस होगा वो लीनियर चेंज नहीं होगा, वो समथिंग रिलेटेड टू, आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशन पे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना बता रहा हूँ कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है ना लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम की, उस पे बेस्ड इनका बिहेवियर होता है। तो अब अगर हम नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम की बात करें, कुछ एग्जांपल लें, जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम हो गए हमारे, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सिस्टम हो गए, या फिर जो कुछ ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो जिसमें मॉडल यूज कर रहे हैं हम बायोलॉजिकल सिस्टम के, वहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो लीनियर नहीं होगा। एरोस्पेस सिस्टम, एरोस्पेस सिस्टम में क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो एयर के फ्लो हो गया या फिर थ्रस्ट कितना जनरेट हो रहा है या फिर जो हमारा इंजन है वो थ्रस्ट कितना कंट्रोल कर रहा है, उसमें कैसे कंट्रोल करना है, तो जो उसमें जो वेरिएबल्स यूज होते हैं वो भी नॉन लीनियर इन नेचर होते हैं। ठीक है, चलिए ये नॉर्मल जो इंडस्ट्री है उसमें आपको ये नॉन लीनियर सिस्टम, प्रोसेस इंडस्ट्री में कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा, इट्स आपको ये कुछ कंट्रोल वॉल्व्स में मिलेगा और इसका DCS और PLC में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम का, बिकॉज जो वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की कैटेगरी में आप उनको रख सकते हैं और कुछ इक्वेशंस जो है PID कंट्रोल के थ्रू वो हैंडल की जा सकती हैं। तो नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम को आप बहुत ही ज़्यादा, आप नॉर्मल कंट्रोल, नॉर्मल इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, एरोस्पेस वगैरह कुछ जो हार्ड कोडेड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की। हाँ, ये देखिए जो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ड्यूरिंग द कंट्रोल एक्शन इसके जो कुछ सेट पॉइंट्स, जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप उन पैरामीटर को डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। या तो आप चेंज कर सकते हो
या वो ऑटोमेटिकली एज पर लॉजिक चेंज हो जाएंगे। हाँ, अभी हम बात करते हैं एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम के स्केच की। तो यहाँ पे जो आप एक एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम का जो स्केच देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट जनरेट हुआ, एरर बना, एरर से कंट्रोल जो हमारा कंट्रोलर है वहाँ पे गया, आफ्टर दैट आउटपुट जनरेट हुआ और वो जो आउटपुट है वो फीडबैक के फॉर्म में वापस आया और अगेन एरर फॉर्म हुई। लेकिन इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि एक रेफरेंस मॉडल लगा हुआ है, एक रेफरेंस या फिर कुछ एक टेबल है जिसके जो एरर को एरर के वैल्यू को लेकर एक आउटपुट जनरेट कर रही है और वो जो आउटपुट है वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में जा रहा है और ये जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये हमें कंट्रोलर को इनपुट दे रही है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है ये, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर हमारा पीआईडी कंट्रोलर है। ओके, अब जो ये हमारा पीआईडी कंट्रोलर है, अब इस पीआईडी कंट्रोलर में कुछ पैरामीटर्स होंगे जैसे कि जो हमारा प्रोपोर्शनल पी कंट्रोलर है उसका गेन केपी, देन फिर केआई एंड केडी। ओके, तो ये जो तीन प्रोसेस, ये जो केआई, केपी, केआई एंड केडी हैं, ये तीनों की टेबल यहाँ पर होगी। ओके, अब यहाँ पे कोई एरर सपोज करिए ज्यादा है तो उस कंडीशन पे हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए तो पीआईडी कंट्रोलर तो आउटपुट ज्यादा देगा, बट साथ साथ में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा केपी फैक्टर है उसको भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में उसकी वैल्यू समथिंग एक ऑफसेट वैल्यू से बढ़ा देंगे। आप समझ रहे हैं बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कंट्रोलर के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जो सेट पॉइंट पैरामीटर्स हैं जो कंट्रोलर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, वो पैरामीटर भी हम एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो केपी, केआई, केडी जो तीन पैरामीटर्स की मैंने बात की, उनका एक टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है रेफरेंस मॉडल और टेबल में, जो कि एरर के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कि एरर के अकॉर्डिंग एक वैल्यू जनरेट कर रहा है और वो जो वैल्यू है वो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में जाकर हमें एक आउटपुट दे रही है जो कि कंट्रोलर के पीआईडी, जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के कांस्टेंट वेरिएबल्स का, जो कि कांस्टेंट होने चाहिए उनको भी इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल लेके आ रहा है और हमें यहाँ पे इस कंट्रोलर का बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव कंट्रोल। चलिए, एडेप्टिव कंट्रोल में क्या है, जो ट्यूनिंग पैरामीटर्स होते हैं ना, ट्यूनिंग पैरामीटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं या फिर एज पर रेफरेंस वो चेंज होते हैं। इसके साथ ही इसका जो एप्लीकेशन है उसको हम देख लेते हैं। ऑटोमेटिव कंट्रोल में होता है, ठीक है, व्हीकल को एडजस्ट करने में जो पैरामीटर्स होते हैं, इंजन की परफॉर्मेंस होती है उनके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, और साथ ही प्रोसेस कंट्रोलर, जो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि पीआईडी कंट्रोलर के लिए, तो वो एग्जांपल दिया मैंने। अब नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम में देखिए, जो हमारा जो कंट्रोलर होता है, देख रहे हैं इसका स्केच, चलिए स्केच के साथ ही हम बात करते हैं। हमारा सेट पॉइंट जनरेट हुआ, उसके बाद फीडबैक आया, फीडबैक से एरर जनरेट हुई, एरर हमारे कंट्रोलर में गई, कंट्रोलर से आउटपुट जनरेट हुआ, वहां से ये आउटपुट प्रोसेस में गया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम एक फीडबैक लेते हैं, जो हमारा एक फीडबैक ही होता है वो हमें फिर से एरर को जनरेट करता है, बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हम बेसिकली फीडबैक वन एंड फीडबैक टू, दो तरह के फीडबैक ले रहे हैं। एक फीडबैक हमारा डायरेक्टली चला गया और जो हमारा सेकेंड फीडबैक है वो हमारा ऑब्जर्वर में गया, और वो जो ऑब्जर्वर है वहाँ से हम अगेन एक आउटपुट जनरेट करते हैं जो कि ऑप्टिमाइजर में जाता है, और ऑप्टिमाइजर में जाने के बाद में ये फिर से हमको एरर को कम ज़्यादा करने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब ये जो एरर जनरेट हुई है ये एरर ऑब्जर्वर के बिहेव ऑब्जर्व करने के बाद में हुई है। यहाँ ऑब्जर्वर का रोल क्या है? ऑब्जर्वर का रोल ये है सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमल करना बहुत ही ज़्यादा। इसमें फॉर एग्जाम्पल कि हमारा प्रेशर जो कुछ ऐसी चीज़ें जो प्री डिसाइडेड है कि सपोज करिए टेम्परेचर हाई है तो ये ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद में टेम्परेचर डाउन होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में हम अगर केवल हाई वैल्यू हम टेम्परेचर का फीडबैक इसको दे देंगे तो ये जो कंट्रोलर है इसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि कोई सेकेंड प्रोसेस है जो कि इसके टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। तो उस कंडीशन पर ऑब्जर्वर का रोल ये होगा कि ऑब्जर्वर उस डेटा को ऑप्टिमाइज करके एरर को जनरेट करेगा, तो एरर जो है वो डायरेक्टली जनरेट नहीं होगी विद द फीडबैक ऑफ कंट्रोलर, एरर जनरेट होगी किसी एक ऑब्जर्वर के डिसीजन के बाद में। तो ये हमारा ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम है। ये हम आजकल पावर प्लांट्स में हो गया या फिर टर्बाइन के स्पीड कंट्रोल में, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और उसके बाद में कुछ इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और एप्लीकेशंस बताता हूँ। ये इसका जो एप्लीकेशन, एक तो रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है,
और इकोनॉमिकल सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम में वहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं बेसिकली प्रॉफिट और लॉस के। ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये मैं केवल इंडस्ट्रियल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो कि आप इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे हायरार्किकल कंट्रोल सिस्टम की। अब देखिए, ये हाई लेवल कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल लेयर्स होते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये इसका स्केच है, अभी जो हम बात कर रहे थे वो लेवल वन यानी कि बेसिक कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे थे। इसमें क्या है, जो लेवल वन हमारा बेसिक कंट्रोल सिस्टम है, इसमें एक कंट्रोलर है, सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट के बाद में हमारा एक आउटपुट जनरेट हुआ और उस आउटपुट के बाद में उसका एक फीडबैक लिया और उससे फिर से कंट्रोलर के थ्रू वो चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। बट अब इसमें हम, ये तो जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे ऊपर जितना भी डिस्कस किया वो सब कुछ बेसिक कंट्रोल की बात है। हाँ, एज डिवाइसेस और जो क्लाउड सिस्टम था, दैट इज सिमिलरली टू दिस। वहां पर हम क्लाउड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे जिसमें कि कुछ कंट्रोल हम यूज कर सकते हैं। वहां पे मैंने केवल ये डिस्कस किया था, जो हमारा एज डिवाइसेस थी वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि वहां पे क्लाउड के थ्रू वो लिंकअप होती हैं, बट क्लाउड लेवल पे कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हायरार्किकल कंट्रोल सिस्टम में। तो यहाँ पे तीन तरह के सिस्टम होते हैं, तीन तरह के लेवल्स मैंने यहाँ शो किए हैं, और भी हायर लेवल आप बना सकते हैं एज पर आर्किटेक्चर ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम। तो लेवल वन जो है हमारा बेसिक कंट्रोल होता है, देन लेवल टू हमारा एडेप्टिव कंट्रोल होता है, ये भी डिस्कस किया जा चुका है, और लेवल थ्री जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। ये आपस में कैसे कनेक्ट है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एक जो सिमेट्रिक लाइन डायग्राम कह सकते हैं, एकदम बेसिक जो लाइन डायग्राम है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारा सेट पॉइंट जो एरर है, आप उस एरर को ही फर्दर एक्सीलेट करेंगे सो दैट कि वो एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम में भी जाए, एडाप्टिव कंट्रोल सिस्टम से कुछ आउटपुट निकले और वो कंट्रोलर में जाए। फर्दर वही चीज़ें हमारा जो डिसीजन मेकिंग या सेल्फ लर्निंग सिस्टम होता है वहाँ पर जाए और उससे भी आउटपुट निकले तो वो कंट्रोलर में आए। तो जो इस तरह का कंट्रोल सिस्टम होता है, ये बेसिकली हमारा हायरार्किकल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो हमारा सेंसर वाला सेट पॉइंट और जो बेसिक कंट्रोल लेवल है वो हमारा लेवल वन कंट्रोल में आता है। फर्दर इसको इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पर ये सिस्टम यूज़ किया जाता है, जहाँ पर असेंबली लाइन होती है, देन फिर रोबोटिक सिस्टम होता है और उसके बाद में कॉर्पोरेट एक्शन होता है। तो जो तीन लेवल हो गए वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमें एक ट्रैफिक लाइट से शुरू करके एक पूरे जोन को मॉनिटर करना है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर भी इस तरह के कंट्रोल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। चलिए, अभी हमारा जो प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम है, लास्ट कंट्रोल सिस्टम, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम का जो आप नाम से ही देख सकते हैं कि ये ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो कि चीज़ें प्रेडिक्ट करके उनको कंट्रोल करता है। अब इसकी जो शुरुआत है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारा AI ML का, बिकॉज जो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में लॉजिक नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं मॉडल यूज़ करते हैं, जो हमारा ट्रेंड मॉडल होता है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो कंट्रोलर नहीं होता है, इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हाँ, हमने एक प्रोसेस का पूरा डेटा लिया, उस डेटा से हमने एक मॉडल को रेडी किया। मॉडल कैसे जनरेट करना है वो AI ML के थ्रू आप अलग से उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, बट हमने जो एक पूरी इंडस्ट्री है, सपोज करिए कोई रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के सारे सेंसर्स और एवरीथिंग, जो पूरा हमारा DCS है, जो पूरा स्काडा है, वहाँ से हमने डेटा को फैच किया, लास्ट 1 ईयर 2 ईयर का डेटा फैच किया। उस डेटा से हमने एक मॉडल को रेडी किया, वो मॉडल हमारा जो जनरेट होगा उस मॉडल को हमने ऑप्टिमाइजर के थ्रू उसको इंगेज किया, और इंगेज होने के बाद में अब फिर हम, अगर हम सेट पॉइंट जनरेट करेंगे रिफाइनरी में, केवल एक सिंगल सेट पॉइंट की हमें प्लांट स्टार्ट करना है, वो पूरा का पूरा मॉडल इस पर रन करेगा और हमारा ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट प्लांट है। यानी कि ये सिंगल लाइन जो यहाँ पे शो किया है, इट विल कनेक्ट टू ऑल DCS सिस्टम, ये पूरा DCS सिस्टम में कनेक्ट होगा। हमारे जितने भी कंट्रोल, जितने भी एक्चुएटर्स हैं, जितने भी टैंक वेसल्स हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा सिस्टम है, प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम इसी मॉडल बेस लॉजिक लॉजिक नहीं होगा, ये बेसिकली मॉडल और ऑप्टिमाइजर के साथ में ही ये रन करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ये अभी बहुत ही रिसेंट कंट्रोल सिस्टम है और अभी
ये केवल हाँ, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये मॉडल और ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों के थ्रू ही, इसको एमपीसी कंट्रोलर भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एमपीसी कंट्रोलर। अब उसके बाद में चलिए, प्रेडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम, ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है एंड एनर्जी मैनेजमेंट में यूज़ होता है। और उसके बाद में ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये बहुत ही रिसेंट है, AIML के साथ में इसका स्टार्टिंग हुआ है, AIML के साथ में ही इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो होप कि इसके बाद जो कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं मैंने यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम सेलेक्शन के, ये कुछ प्रिसीजन रिक्वायरमेंट है एंड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप इसको डिटेल में देखना है तो आप plcdcscontrol.com को जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ये आपको पूरा आर्टिकल अवेलेबल है वहाँ पर। एंड होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो 6 कंट्रोल सिस्टम इस वीडियो में और इससे पहले जो 6 कंट्रोल सिस्टम मैंने डिस्कस किए थे, पूरे के पूरे 12 कंट्रोल सिस्टम हैं, इनको आप गो थ्रू जरूर करिएगा। और आई थिंक कि कंट्रोल सिस्टम का एक बेसिक जो अवेयरनेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी क्लियर हुई होगी इस इन दोनों वीडियो के साथ में। तो आई थिंक कि अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। एंड आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.